पहचान भी हो चुकी है। आरोपियों ने ऑफिसर और युवती से लूटपाट की थी, जिसके बाद इनकी पहचान हो चुकी है और पुलिस ने दो आरोपियों को फिलहाल हिरासत में लिया है। 6 आरोपी वारदात में शामिल थे, जिनकी पहचान हुई है, बाकी की तलाश में पुलिस जुट गई है। तो ये पूरा मामला महू में ट्रेनी आर्मी ऑफिसर से लूटपाट से जुड़ा हुआ है। 6 लोगों की पहचान हुई है, लेकिन अब तक 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, बाकी की तलाश में जुट गई है पुलिस। जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है, इंतजार लेकिन करना होगा। और लूटपाट का जो ग्राफ इन दिनों बढ़ता ही जा रहा है, जिसको देखते हुए पुलिस ने एक भी अपराधी को नहीं छोड़ने का संकल्प लिया है, और ऐसे में अब इन आरोपियों की भी तलाश में पुलिस जुट गई है। फिलहाल 2 को तो हिरासत में लिया गया है, ये ट्रेनी आर्मी ऑफिसर जिससे लूटपाट की गई थी। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी आपके पास? बाकियों की तलाश में पुलिस जुट गई है, कैसे ऑपरेशन चलाया जा रहा है पूरा? देखिए, पूरे ऑपरेशन में पुलिस की 10 टीम शामिल है, अलग अलग 10 टीम बनाया गया और 10 टीम की मॉनिटरिंग के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, क्योंकि पूरा जो मामला है वो आर्मी के ट्रेनिंग ऑफिसर के साथ लूटपाट, मारपीट और उनकी महिला मित्र के साथ गैंग रेप से जुड़ा हुआ है। इसलिए पूरे मामले में गंभीरता से जांच चल रही है। 2 जो इस वक्त है संदिग्ध, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। संदिग्ध युवकों से पूछताछ की जा रही है और अभी तक जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि यही वो 2 युवक हैं जो उस दिन घटना में शामिल थे, और इनसे बाकी भी आरोपियों के नाम पता पुलिस को मिल चुके हैं। यानी अब पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हम आरोपियों के बहुत करीब हैं, जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि कल देर रात से ही सभी अधिकारी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं और पूरी घटना जो है, एक एक घटना की जो जांच है उसको बड़ी बारीकी से की जा रही है कि आखिर क्या कुछ हुआ था, कहां से आए थे, क्या इन आरोपियों ने पहले भी किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया था, उस दिन रात को देर रात ये यहाँ पर कैसे आए, क्यों झाड़ियों में छुपे हुए थे, क्या इनका मूवमेंट इसी जगह पे आसपास रहता है। क्योंकि देखिए, जामगेट जो है यहाँ पर देर रात तक युवाओं का ना जमावड़ा लगा रहता है, बड़ी संख्या में इंदौर से लोग वहां घूमने जाते हैं, रात के करीब 1-2 बजे तक वहां पर चहल पहल बनी रहती है। और हालांकि इस पूरी घटना के बाद अब जाम गेट की सुरक्षा को भी लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक समय होता है, निर्धारित समय के बाद अगर देर रात तक वहां पर युवा पहुंच रहे हैं तो उन्हें क्यों रोका नहीं जाता, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि वो पूरा जो इलाका है वो काफी सुनसान है और वो एक पहाड़ी का पूरा सेक्शन है, उसके नीचे उतरते साथ वो पूरा एरिया खरगोन में लग जाता है। ये पास का एरिया इंदौर का है और आसपास घना जंगल है। तब देखिए, लेकिन सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन जो कुछ हुआ, ट्रेनिंग आर्मी ऑफिसर के साथ मारपीट हुई, उनकी महिला मित्र के साथ में गैंग रेप की आशंका को लेकर FIR दर्ज की गई थी, पूरे मामले की जांच चली थी, बहुत जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, और यही पुलिस कोशिश भी कर रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा भी हो कि कहां कहां इस तरह की लूट की घटना को वो अंजाम देते हैं, इस तरह लोगों को डरा धमका कर मारपीट करने के बाद। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए।